सबसे बड़ी दौलत इस दुनिया में कहां है? कब्रिस्तानों में पड़ी है। क्यों? क्योंकि इल्म को सीने में लेकर दफन हो गए, मट्टी में मिल गए, किसी को सिखाए नहीं। आज इस ऑडिटोरियम में मैं यहां बैठकर आपको लेक्चर दे रहा हूं, यह मेरे जहनों में नहीं था कभी, लेकिन ये अल्लाह ने प्लेटफॉर्म दिया है मुझे। क्यों? मैंने मेरे नॉलेज को शेयर किया है आप लोगों के साथ और दुनिया वालों के साथ। एक कदम तू आगे बढ़ा, मैं तेरे 10 कदम आऊंगा। तू मेरे राह पर 1 रुपया खर्च, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। अल्लाह कभी रखेगा नहीं। लेकिन हम लोग जमा 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 करके मर जाते हैं। जो आप जवानी में समझ रहे थे, अरे ये किताबों का कीड़ा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है इसके साथ में, हम देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। आप एंजॉय जरूर कर रहे हो, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हो। ये पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ करने वाला है। मुनव्वर जमा के नजदीक इस रूह जमी पे सबसे बड़ा बखील इंसान वो है जो आपके पास इल्म हो और आप दूसरों को ना सिखाए, उसी इल्म के साथ आपकी मौत हो जाए। ये सबसे बड़ा बखील इंसान है। सबसे ज्यादा दौलत कहां है, ये सवाल पूछा गया, जवाब आया कब्रस्तानों में है। क्यों? इल्म को लेकर दफन हो गए, सिखाए नहीं किसी को। समझ आ रही है बात आपको? सबसे बड़ी दौलत इस दुनिया में कहां है? कब्रस्तानों में पड़ी है। क्यों? क्योंकि इल्म को सीने में लेकर दफन हो गए, मट्टी में मिल गए, किसी को सिखाए नहीं। तुम में से बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। इसका मतलब सिर्फ कुरान नहीं, अच्छा इल्म भी सीखे और अच्छा इल्म भी सिखाए। आपको फायदा होने वाली चीज आप सीखें और दूसरों को सिखाए। बखालत, कंजूसी, अगर मैं सिखाऊं तो वो टॉप कर जाएगा, मैं सिखाऊं तो ये टॉप कर जाएगी। हाँ, जरूर हो सकता है कि वो टॉप करेगी और आप पीछे रह जाओगे। कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले आप क्लास की टॉपर थी और वो उसका नंबर 5 था आपके सहेली का। आपने अपना इल्म उसको शेयर किया और वो आपसे भारी हो गई, ऊपर आ गई। कसम खुदा की वो क्लास की टॉपर है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप दुनिया में टॉपर बनोगे। वो सिर्फ एक क्लास की टॉपर बनी, आपको अल्लाह ऐसे अपॉर्चुनिटीज देगा। वो छोटी जॉब करती रहेगी, आपको MNC की लीडर बनी हुई रहेंगी। ये शेयरिंग की खूबसूरती है। आप जब अपनी चीज किसी को देते हैं, कसम खुदा की अल्लाह कभी रखेगा नहीं, आपको रिटर्न करना ही करना है अल्लाह को। अपॉर्चुनिटीज के शक्ल में अल्लाह सुबहानहू तआला आपको देगा ऐसे अपॉर्चुनिटीज जो आपके जहन ने कभी तसव्वुर भी नहीं किए होंगे कि मुझे ये भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज इस ऑडिटोरियम में मैं यहां बैठकर आपको लेक्चर दे रहा हूं, ये मेरे जहनों में नहीं था कभी, लेकिन ये अल्लाह ने प्लेटफॉर्म दिया है मुझे। क्यों? मैंने मेरे नॉलेज को शेयर किया है आप लोगों के साथ और दुनिया वालों के साथ में। दफन ना करो, अपने सीनों में मत रखो, देना सीखो लोगों को। ये देने का कमाल है। लोग रख लेते हैं चीजों को, जो आप लुटाओगे। एक कदम तू आगे बढ़ा, मैं तेरे 10 कदम आऊंगा। तू मेरे राह पर 1 रुपया खर्च, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। अल्लाह कभी रखेगा नहीं। लेकिन हम लोग जमा 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 करके मर जाते हैं। हम लुटाने वाले नहीं हैं, हम शेयर करने वाले नहीं हैं। हमने नॉलेज को शेयर करना है। फिक्र करना मेरे रूममेट्स भी मुझसे बेहतर हो जाए, मेरे नीबर्स मुझसे बेहतर हो जाए। आज नीयत कितनी छोटी है हमारी। आप सिखाने से वो जरूर उस साल टॉप हो सकता है, जिंदगी भर टॉप कौन रहेंगे? शेयर करने वाला। और ये जो बंदा शेयर करता है ना, उसको परफेक्शन यानी टोटल परफेक्शन मिलता है। उसको क्या मिलता है? टोटल परफेक्शन आ जाता है उसमें। वो स्लम का बच्चा है, गरीब है, सुबह नाश्ता करता है, मालूम नहीं कि रात का खाना मैसर है कि नहीं है उसको। रात में खाकर सोता है, मालूम नहीं कि सुबह का नाश्ता मैसर है नहीं उसके जिंदगी में। लेकिन वो टोटल परफेक्शन के साथ अपनी झोपड़पट्टी से निकलकर बाहर कदम रखता है तो अल्लाह का एक इनाम होता है वहां, और एक सवारी की शक्ल में इनाम होता है। वो रोल्स रॉयस नहीं है, वो मर्सिडीज बेंज नहीं है, वो रेंज रोवर नहीं है, वो बेंटली नहीं है। उस सवारी का नाम है कॉन्फिडेंस। और उस पर जो भी सवार होते हैं वो सीधे मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और इस मंजिल का नाम प्यारे बच्चों सक्सेस है। अब बीच में कितने डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं हम लोग के, बताओ। इस तरह से लाइफ कोई नौजवान गुजार रहा है? बताए मुझे कोई गुजार रहा है? अब सक्सेस मिलने के बाद क्या है? उसने मर्सिडीज खरीदी, गाड़ी पसंद नहीं आई, हटा दिया उसने, BMW
पसंद नहीं आई, रोल्स रॉयस ले रहा है, क्यों? उसके पास उतनी दौलत आ रही है। और दूसरे जो गुजरते गाड़ियों को देखते रहते, अब ब्रांडेड मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बेंटली, रेंज रोवर, खाली बोलने वाले बन जाते हैं वो लोग, देखने वाले बन जाते हैं, ये लोग उस पर सवार होते हैं। ये फर्क होता है, जवानी में जो सही वक्त गुजारते हैं वो अच्छी, वो पेरिस जा रहा है और हम लोग ख्वाब है कि एक दफ़ा पेरिस चला जाऊं, एक दफ़ा स्विट्ज़रलैंड जाऊं, ये साल में 4 दफ़ा जा रहा है बिजनेस ट्रिप पे स्विट्ज़रलैंड, और आपका ड्रीम ड्रीम ही है, कभी पासपोर्ट नहीं बना पाए आप, स्विट्ज़रलैंड क्या जाओगे? लेकिन आप ही का साथी ये जो चीज़ों पर चला, वो स्विट्ज़रलैंड भी जा रहा है, वो उमरा भी जा रहा है, वो बेंटली पे भी घूम रहा है, वो रोल्स रॉयस पे भी घूम रहा है, हर चीज़ कर रहा है वो। जो आप जवानी में समझ रहे थे अरे ये किताबों का कीड़ा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है इसके साथ में, हम देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। आप एंजॉय ज़रूर कर रहे हो लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हो, ये पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ करने वाला है। और फिर अपनी जनरेशन को अच्छी तालीम देगा, खुशियाँ देगा। आप शादी तो करोगे, बीवी को खुशी नहीं दे सकते, बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में स्कूल्स में पढ़ा नहीं सकते, क्यों? है नहीं आपके पास। अच्छी बीवी गोरी चाहिए, कलीदार नाक, लेकिन खुशी नहीं दे सकते आप। वो बोलेगी मुझे पेरिस ले जाओ, नहीं ले जा सकते आप, है ही नहीं आपके पास में, वो सकत नहीं है आप में, कहां ले जाओगे आप? ये क्यों हो रहा है ऐसे? सिर्फ और सिर्फ अपनी जवानी को सही इस्तेमाल नहीं करने की वजह से। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस लेक्चर को आप अपने जहन में 25 साल तक कम से कम बिठा लें, क्योंकि आप मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, एमफिल करेंगे, तब तक तो ये जहन में रख लें इंशाअल्लाह। समझ आ रही है बात?